हेलो गाइस और सब, माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट। तो आज के स्टूडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 साइंस का, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके पहले जो पहला चैप्टर था मैटर और सराउंडिंग, तो वो चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है इन वन शॉट में, बहुत ही बेटर एक्सप्लेनेशन में। एंड इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे इस चैप्टर के, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड प्योर सबस्टेंस, एंड फिर हम लोग मिक्सचर को कवर करेंगे एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो ये सारे टॉपिक्स को आज हम लोग बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही ईजी वे में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए, क्योंकि हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट लेक्चर को समझने के लिए, क्योंकि आगे के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन, प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन एंड कोलाइडर। तो ये सारे समझने के लिए आपको ये आना चाहिए। आज के वीडियो में हम लोग यही सब कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे किया गया है ना, पहला तो क्वेश्चन यही आता है हम लोग का, मैटर को क्लासिफाई कैसे किया गया है। तो उसको हम लोग मतलब क्लासिफाई करते हैं, मैं डायग्राम आपको बना के देता हूँ, जिससे आपको बहुत ही ईजी होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक मैटर लिख लीजिए। मैटर अगर आपको नहीं पता है क्या होता है, तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया, मतलब पिछले वाले लेक्चर जो पहला चैप्टर का था उसमें मैंने पूरी बेसिक बताई है मैटर की। अब ये हम लोग का दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा पार्ट है वो, एक होता है प्योर सबस्टेंस, ठीक है, और दूसरा होता है हम लोग का मिक्सचर, मतलब ये इनप्योर हो जाता है मिक्सचर। तो प्योर एंड इनप्योर, प्योर में क्या होता है, अब प्योर को भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, प्योर को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है एलिमेंट, एक होता है एटम, या आप मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, एटम, ठीक है। और इसमें मिक्सचर में आप क्या लिखते हैं, मिक्सचर में आप जैसे होमोजीनियस मिक्सचर और जो दूसरा पार्ट है हम लोग का वो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो आज हम लोग यही इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्योर सबस्टेंस देख लेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद इसको भी मैं बता दूंगा एलिमेंट एटम या कंपाउंड यहाँ पे हो जाएगा, और कंपाउंड में भी होता है, ठीक है। तो मिक्सचर को भी मैं डिफाइन करूंगा, और होमोजीनियस और हेटरोजीनियस मिक्सचर को इस वीडियो में कवर करूंगा। एंड जो नेक्स्ट वीडियो से आने वाली है वो सब सॉल्यूशन को नेक्स्ट वीडियो के बाद है, तो आज हम लोग यही इसी कवर करने वाले हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं प्योर सबस्टेंस पर। प्योर सबस्टेंस क्या होता है, प्योर मतलब होता है शुद्ध, आपने बचपन से जानते होंगे प्योर चीज़, प्योर शुद्ध होता है, जैसे कि आप कहाँ कहाँ ये चीज़ सुनते हैं। ये चैप्टर हम लोग का इसी के ऊपर है, प्योर सबस्टेंस की मिक्सचर है, तो हम लोग को बेसिक ज़्यादा जानना पड़ेगा। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर का पहले मीनिंग आप जानिए। ये चैप्टर बोल रहा है हम लोग से, क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो प्योर हैं, शुद्ध हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ रखे हैं वो शुद्ध हैं कि नहीं है, तो इसका आंसर है यस और नो। तो कुछ प्योर भी हैं, कुछ अनप्योर भी हैं, यानी इम्प्योर हैं, यानी कि मिक्सचर में हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जैसे प्योर सबस्टेंस पे देखिए क्या हो रहा है, कि अ प्योर सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो प्योर सबस्टेंस वो होते हैं जो कि सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हों। और यहाँ पार्टिकल की लिखा है, जैसे कि कोई एटम हो गया या तो कोई एलिमेंट हो गया, तो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने हो, एक ही टाइप के एटम्स मिलकर बने हो, तो उसको हम लोग प्योर सबस्टेंस कहते हैं। जनरली जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल आपके क्या है, 24 कैरेट गोल्ड, ठीक,
जैसे ये प्योर हो जाता है, एकदम प्योर, मतलब गोल्ड में कुछ मिला नहीं है। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि प्योर है, O2 हो गया, ये सारी चीज़ें प्योर है, इसमें एक ही टाइप के एलिमेंट मिलकर बने हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिक्सचर हम लोग किसको कहते हैं? अ मिक्सचर कंटेंस टू और मोर देन प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सड टुगेदर, इज कॉल्ड मिक्सचर। तो जब हम दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिलाते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिलाते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे सोयल हो गया, फिर आपका सॉल्यूशन हो गया, या तो सैंड हो गया, ठीक, आपका एयर हो गया, ईटीसी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जैसे कि सॉयल में आप देखे होंगे कि बहुत सारे पार्टिकल्स मिले होते हैं, गंदे पार्टिकल्स होते हैं, धूल होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सॉयल में दिख जाएंगी, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। एयर हो गया, एयर में आपका देखिए ऑक्सीजन मिला है, नाइट्रोजन मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, ये सारी चीज़ें मिली। तो आपको मिक्सचर पता होना चाहिए कि क्या होता है मिक्सचर, यानी मिलावट। किसी भी मतलब मिक्सचर किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को जब हम लोग मिलाते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। सिंपल, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जिसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, तो एक आइडिया मैं दे देता हूँ। देखिए मिक्सचर किससे बनता है आपको पता है, मिक्सचर किससे बनता है आपको पता है, जैसे कि दो प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनता है। तो इसमें देखिए मैंने क्या किया, दो कंटेनर ले लिया, दो कंटेनर ले लिया, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, ठीक है, दो कंटेनर में वाटर है। अब इसमें आप क्या करिए, एक में आप चीनी शुगर मिला लीजिए, शुगर ऐड कर दीजिए, एक में आप सैंड ऐड कर दीजिए, बालू सैंड ऐड कर दीजिए। तो देखिए होता क्या है, दो कंटेनर है, दोनों में मिक्सचर आपको लेना है ना, तो वाटर है प्योर सब्सटेंस, फिर सैंड है प्योर सब्सटेंस, ऐसे ये वाटर है प्योर सब्सटेंस मान लेते हैं हम लोग, वैसे है नहीं तब भी हम लोग मान लेते हैं। तो होता क्या है कि जब चीनी आप घोलते हैं पानी में तो अच्छे से एकदम डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व मतलब घुलना, तो अच्छे से एकदम डिजॉल्व हो जाता है उस पानी के अंदर, अच्छे से एकदम घुल जाता है। जब हम बात करते हैं सैंड की, तो सैंड जो होता है वो पानी के नीचे एकदम अच्छे से बैठ जाता है, घुलता नहीं है, उसका पार्टिकल नीचे एकदम बैठ जाता है, तो आपको वो दिखने लगता है। अब जब चीनी आप घोलते हैं तो चीनी आपको दिखता नहीं है पानी के अंदर है कि नहीं है, और रही बात इसकी सैंड की, तो वो नीचे आपका जम जाएगा या तो घुलते हुए दिखेगा आपको, पार्टिकल्स उसके आपको दिखते रहते हैं। तो यही हमको पढ़ना है अब, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि एकदम अच्छे से जो सॉल्यूट, अब देखिए वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आप अभी से आइडिया ले लीजिए। वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, और इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब कि जिसको हम लोग घोल रहे हैं, और सॉल्वेंट मतलब जिसमें हम लोग घोल रहे हैं, जैसे पानी में हम लोग घोल रहे हैं तो वो सॉल्वेंट हो गया, और शुगर जो है सॉल्यूट को घोल रहे हैं, यानी कि शुगर को हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है जो कि सॉल्यूट पार्टिकल एकदम अच्छे से घुल जाए, सॉल्यूट पार्टिकल एकदम अच्छे से घुल जाए, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है कि जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो दिखने लगें, मतलब दिखें अच्छे से ना घुलें, जैसे बालू और पानी का सॉल्यूशन, उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, और होमोजीनियस कहते हैं जो कि अच्छे से एकदम डिजॉल्व हो जाए। तो होमोजीनियस मिक्सचर देख लेते हैं क्या होता है, इसका डिफिनेशन। तो अ मिक्सचर
इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल द सॉल्यूट पार्टिकल, ऑल द कंपोनेंट मैं ले लेता हूँ आपको अच्छा लगेगा, मतलब कि अच्छे समझ में आएगा, ऑल द कंपोनेंट एट द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली, अभी मैं बताऊंगा यूनिफॉर्मली मैंने क्यों लिया, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अब इसी में, इसी डिफिनेशन में आपके जितने भी दो तीन कंसेप्ट हैं इसके, वो सारे क्लियर होने वाले हैं। एग्जाम्पल मैं अभी लिख देता हूँ, फिर आप जानेंगे। अभी मैंने जो लिया था एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, शुगर विथ वाटर या तो शुगर इन वाटर, और भी एग्जाम्पल्स हैं उसको मैंने लिया था, साल्ट इन वाटर, ये भी एक एग्जाम्पल ही है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि एक मिक्सचर को हम लोग कब होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं, अगर उस मिक्सचर के सभी कंपोनेंट, मतलब कि जो मिक्सचर के अंदर जिसका हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं उसके कंपोनेंट एकदम अच्छे से यूनिफॉर्मली, मतलब होता है एक चाल से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मिक्स्ड हो जाते हैं एक में, और उनके बीच नो बाउंड्रीज, ये वर्ड मैंने क्यों लिया, नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब कि उसको हम लोग इजिली सेपरेट ना कर पाएँ, जैसे किसी भी फिजिकल मेथड से हम लोग उसको जल्दी सेपरेट ना कर पाएँ, उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कैसे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे मतलब कि देखिए शुगर का बोलिया है, वाटर और शुगर। अब अगर मैं यहाँ से इतना वाटर निकाल लूँ तो इसमें भी उतना ही मीठा होगा जितना इतने वाटर में होगा, तो यानी कि यूनिफॉर्म है, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, उतना सब जगह चीनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पानी में, वो यूनिफॉर्मली का मतलब होता है। और नो बाउंड्री मतलब कि इसको हम लोग छानेंगे तब भी नहीं निकलेगा ये, तब भी वो मीठा पानी ही रहेगा, तो अच्छे से यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एक तरह से। तो मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस मिक्सचर, अगर वो मिक्स मतलब एक मिक्सचर कब होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं, जब सभी कंपोनेंट उस मिक्सचर के यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहें, एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली एकदम मिक्स्ड हो जाएं, और उनके बीच कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ना हो, ताकि हम लोग उसको आसानी से मतलब कि सेपरेट ना कर पाएं। अब यही बात आती है अगर हम लोग का हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, यही बात आती है हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, तो इसमें देखिए होता क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बेसिकली होता है जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे सैंड और वाटर जो कि अच्छे से एकदम मतलब कि मिक्स्ड हो ही ना पाए, तो उसका भी मैं एक डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको अच्छे से एकदम डिफाइन करूँगा। जस्ट आप यही लिख लीजिएगा, मिक्सचर इज सेड टू बी हेटेरोजीनियस मिक्सचर इफ ऑल द कंपोनेंट, मैं बहुत ही इजी डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ जो क्योंकि आपको समझ में आए और आप उसको याद कर सकें, याद का मतलब कि आप अच्छे से अपने माइंड में उसको सेट कर पाएं। मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली, बस जस्ट उसका अपोजिट है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर आर विजिबल पार्टिकल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है,
बहुत ही इजी है। इसमें एग्जांपल देख लीजिए, मैं दे देता हूँ आपको। जैसे अभी सैंड ऑफ वाटर दिए थे, सैंड एंड वाटर, तो अब आपको देख एक बहुत ही अच्छा सा वो बता देते हैं डिफिनेशन का, मतलब कि अगर वो एक मिक्सचर कब हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं, जब उस मिक्सचर के जो सभी कंपोनेंट्स हैं अच्छे से मिक्स्ड ना हो एक में, जैसे सैंड ऑफ वाटर दिए थे यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह पे उस मतलब मिक्सचर में एक अच्छे से, मतलब हर जगह का जो टेस्ट होगा वो इक्वल होगा एक तरह से आपसे समझिए। जैसे कि इसमें ज़्यादा मीठा पानी इधर भी है, मीठा पानी इधर भी है। अब रही बात सैंड और वाटर की, तो सैंड ऑफ वाटर आप पीजिएगा मत, बस एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ आपका पानी है, यहाँ पे आपका बस पानी है, और इधर आप एकदम नीचे अगर देखेंगे तो इधर आपका ढेर सारा सैंड है। तो ये अच्छे से तो मिक्स हुआ नहीं, क्योंकि इधर आपका सिर्फ पानी है, इधर आपका सैंड है, इधर जबकि चीनी पानी दोनों था, इधर भी चीनी पानी दोनों था। तो इसको कहते हैं अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए, एंड देयर इज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। और आप इसको कपड़े की मदद से छान सकते हैं, छान के अलग कर देंगे। तो ये मिक्सचर कहाँ हुआ, जब मतलब कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब कि एक अच्छे से फिजिकल मेथड से आप इसको सेपरेट कर पाएंगे। सेपरेट करना मतलब अलग अलग कर सकते हैं, जैसे सैंड को अलग कर देंगे और वाटर को अलग, छान देंगे आप कपड़े में, तो उसको कहते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसमें आपके जो पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना, और उसके जो बाउंड मतलब कि बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हो, उसको हम लोग अपने फिजिकल मेथड से कर पाए। तो आई होप कि आपको ये चार टॉपिक कंफर्म हुए होंगे, जैसे मिक्सचर क्या होते हैं और प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये सभी के एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आए तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती है तो एक सीरीज चेक तो चली रही है, आपके आपके स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है ये कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। मेरा काम बस ये है कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, आपको ज़्यादातर ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल से जुड़े रहिए एंड मैं धीरे धीरे आपको कंटेंट, एक सुटेबल गैप के बाद आपको कंटेंट मिलता रहेगा, जैसे कि आप उसको रिवाइज कर लें, उससे लगने वाले क्वेश्चन आप एनसीईआरटीज कर लें, एक्टिविटीज़ कर लें, उसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा, बस यही होता है गैप का मतलब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी से जान लीजिए, सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन के ऊपर बिल्ड होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।